हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो फायर से रिलेटेड है। फायर सेफ्टी स्कैप प्लान आप कैसे फायर सेफ्टी स्कैप प्लान के बारे में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, कल हमने बात की सेफ्टी के लिए, बात की थी कल हमने कि हम कैसे सेफ्टी रखेंगे, लाइटनिंग के लिए कैसे सेफ्टी रखेंगे, वेंटिलेशन के लिए कैसे सेफ्टी रखेंगे, हाइट वर्क के लिए कैसे। आज फायर का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई भी फायर की बात हम करेंगे तो फायर जो फायर एग्जिट वे हमको बनाना है तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए अब इतनी बड़ी साइट है तो हमें कैसे कैसे सारी चीज़ें अरेंज करनी होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आग लगती है कहीं भी लगती है, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो आप वो प्रिपेयर कैसे रहेंगे, प्रिपेयर रहने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका एरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वे है, यहाँ से पूरा रास्ता आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक स्कैप प्लान मतलब एग्जिट वे बनाना होगा आपको, एग्जिट प्लान जिसे इमरजेंसी एग्जिट भी बोला जाता है या फायर एग्जिट बोला जाएगा। ठीक है, हाईलाइट कर दें आप उसको कि इस तरीके से ये हाईलाइट कर दें कि ये कंस्ट्रक्शन साइट ये अपना एग्जिट प्लान है और आप क्या करें वहाँ से एक एग्जिट वे जो है उसके बाद असेंबली पॉइंट कहाँ सबको गैदर होना है वो बना दें। ठीक है, अगर इनके कभी भी आग लगती है तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपको उस आग पर रिस्पॉन्स करना है तो आप बचा सकते हैं सब कुछ, अदरवाइज बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा सारी चीज़ें हैंडल करना। एक्सटिंग्यूशर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है कुछ हज़ार डीएस मटेरियल लगा हुआ है तो उस हिसाब से एक्सटिंग्यूशर लगाएं। कोशिश करें फायर अलार्म जैसी चीज़ें वहाँ कनेक्ट करी जाएं, अगर नहीं हो पा रही हैं तो आप एक्सटिंग्यूशर और सारे फायर फाइटिंग सिस्टम जो हैं वो वहाँ हों, बकेट्स हों, सैंड हो उनमें और इस एक्सटिंग्यूशर्स हों सभी तरीके के, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं और सारी चीज़ें। और फिर क्या, इसके अलावा जो वर्कर हैं वहाँ की जो लेबर्स हैं उनको आप इस तरीके से ट्रेन कर दें कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो खुद भी टैकल उसे कर सकें। देखिए, एक यूनिटी में अगर सब काम करेंगे इस वाली सिचुएशन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट है, पानी आपको इजीली मिल जाएगा, सैंड भी इजीली मिल जाएगी, तो आप हर एक चीज़ से बच सकते हैं और एक्सटिंग्यूशर और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से फायर असेंबली पॉइंट आप कंडक्ट करें, वहाँ पे सभी को पता होना चाहिए वो कहाँ है। फायर हॉज रील होनी चाहिए, फायर हाइड्रेंट वहाँ सिस्टम होने चाहिए, फायर बकेट होनी चाहिए, फायर अलार्म कॉल पॉइंट बना होना चाहिए और फर्स्ट एड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हर साइट पे एक फर्स्ट एड रूम तो होता ही होता है और वहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हेल्प करें। और उसके साथ साथ आपको इमरजेंसी टीम तैयार करनी होगी। इमरजेंसी टीम किस लिए, जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो तो वो उसे टैकल कर सके। इमरजेंसी टीम में वही लोग आएंगे जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं है आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, आग लग रही है तो लगने दो, सारे उसके प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होने वाली हैं, ये सारी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। जो भी पर्सन वहाँ वर्क कर रहा है सबको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या वर्क रूटीन हमें करना है, जब भी आग लगती है तो हमें क्या करना है, हमारे क्या स्टेप्स रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट की बात है तो आग लगना तो नॉर्मल बात है, आग लग सकती है, पर हम उसे कैसे बचा सकते हैं, हम उसे कैसे एक एक्सीडेंट में ना चेंज होने दें, उसके लिए हम क्या कितने एक्टिव हैं। तो जितने हम अलर्ट रहेंगे, जितना हम अटेंशन पे करेंगे अपनी ट्रेनिंग देने पर, अपने वर्क पर, अपनी वर्क प्लानिंग पर, तो उतना ही हम उस जगह को सेफ रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की है वो हमारे पास होनी चाहिए। हजार्डियस मटेरियल कहीं ज़्यादा रखा हुआ है तो वहाँ पे एक्सटिंग्यूशर ज़्यादा हो और लोगों को पता हो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सा खतरा वहाँ हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हर इंसान को उसी का काम सूट करता है, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंसान, जो भी वर्कर है वहाँ पे, जो उस चीज़ को जानता है वही उस पे वर्क करे तो ज़्यादा बेटर वर्क होगा। ठीक है, और साथ ही आपको जो भी आप ट्रेनिंग, देखिए सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें ट्रेनिंग, बार बार बोल रही हूँ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ही सबको इतना कॉन्फिडेंट बनाती है, उनके अंदर का डर निकाल देती है कि अगर कभी आग लगती भी है तो सभी लोग उसको हैंडल कर सकें। नेक्स्ट आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हैं, फायर एग्जिट इस तरफ, फायर एग्जिट इस तरफ, है ना, ये बहुत जगह आपने देखा भी होगा, तो आप ऐसा करके कंस्ट्रक्शन साइट को भी अपना सेफ रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसको सेफ रखना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना भी टफ नहीं। उसके लिए बस हमें क्या है, एक मेंटेलिटी बनानी होगी, लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे तो हम सेफ रह सकते हैं, सिर्फ यही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है,
ये बात है फायर की, क्योंकि फायर स्कैप प्लान है ये, तो इसमें यही है कि आप कैसे वहाँ से एग्ज़िट करेंगे, कैसे वहाँ रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, कंबस्टेबल मटेरियल कहीं भी स्टोर्ड है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अगर कहीं वेल्डिंग का वर्क चल रहा है, फ्लेम्स हो रही हैं, कोई ऐसा ना हो कि वहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल रखा हो, फ्यूम्स उड़ रही हैं और आग लग जाए, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी ना, क्योंकि वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, गैस कटिंग हो रही है, कुछ गैस लीक हो रही है, तो ये सारी चीज़ों पे जब ध्यान रखेंगे, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन साइट पे इन सारी चीज़ों की बड़ी दिक्कत होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो वो लोग क्या करते हैं वायर को जोड़ जोड़ के उस पर टेप जो है वो भी ठीक से नहीं इंसुलेट करते हैं, और सीधे उसको शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे शॉक लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वायर नीचे ज़मीन पर हो और पानी फ्लो हो गया, वहाँ पर पानी फैल गया, जो भी निकलेगा उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ रफली मतलब जो सामान जो है, वर्क जो चल रहा है, वहाँ कोई भी वर्क तुरंत शुरू हो सकता है ना। पानी गिर गया तो क्या हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, हो सकता है पानी गिर जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग हाइट पर वर्क कर रहे हैं, हाइट से गिर गए तो इसके लिए पीपीज पहनना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको हम अगर देखें, ऑब्ज़र्व करें और अपने पूरे टीम को, अपने पूरे वर्कर्स को ट्रेंड करें, ट्रेनिंग दें, तो वो लोग भी अवेयर होंगे, वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे। तो ऐसे एक्सीडेंट्स होने से, आग से लगने वाले जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं करनी है, पर हाँ हमें सारी चीज़ें अगर पता होंगी, हम अवेयर होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी आपको यही नहीं पता हो कि कौन सी आग है, कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें इस पे यूज़ करना है, एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ किया जाता है ये भी नहीं पता, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ट्रेनिंग में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब भी आग लगती है तो आपको कहाँ असेंबल होना है, असेंबली पॉइंट पर डिसीजन लिया जाएगा और वो आग को बुझा सकते हैं, ताकि सभी लोग एक साथ उस जगह तक जा पाएँ और आग को काबू में कर पाएँ। ठीक है, तो आज ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो सेकंड पार्ट टू था वो बताया। इसमें यही फायर एस्केप प्लान है, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कैसे क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू।